हेलो इब्रान, आपका स्वागत है जामिया वर्ल्ड पर। आप देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, ऑडियो लाइव जा रहा है आपको। बहरहाल मैं इस वक्त मौजूद हूँ जंतर मंतर पर, हमारे साथ सबसे गोदी मीडिया को सबक सिखाने वाले फारूक आलम, जो कि यहाँ पर जंतर मंतर पर आए हैं। और NRC और कैब का विरोध चल रहा है, इसमें बड़ी तादाद में स्टूडेंट और आम और खास आ रहे हैं। मैं इनसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या कहना चाहेंगे ये NRC और कैब लाकर क्या समाज में मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो ला रहे हैं ये उनके सीक्वेंस में ही है। एक NRC और सिटीजनशिप अमेंडमेंट दोनों एक दूसरे का कम्प्लीमेंट्री है, क्योंकि जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो जब वी द पीपल ऑफ इंडिया की बात कर रहा है तो उसमें किसी रिलीजन या किसी पर्टिकुलर कास्ट या फिर पर्टिकुलर मजहब की बात नहीं है। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन कह रहे हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सॉवरेन सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, तो आप कैसे इस कॉन्स्टिट्यूशन को ताक में रख के इस कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ एक अमेंडमेंट, एक बिल सिटीजनशिप को जो एक्ट है उसको आप अमेंड कर सकते हैं, उसके खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ और इस देश के डेमोक्रेटिक इथोस के खिलाफ आप एक बिल कैसे ला सकते हैं? और जब आर्टिकल का कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21, ये क्या फंडामेंटल राइट है? ये फंडामेंटल राइट को आप वायलेट कर रहे हैं। तो हमें पूरा यकीन है कि अगर ये बिल निकाल भी देगा, ये बिल पास कर भी देगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट को वायलेट करते हुए आएगा। ये जुडिशरी में नहीं टिक सकता, ये हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में ये नहीं टिक सकता, ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़, आप अगर देखेंगे जिस तरह से NRC ला के इस देश के 19 लाख के आसपास लोगों को बेघर किया जा रहा है, उसमें केवल मुस्लिम्स ही नहीं है, उसमें हिंदूज भी हैं। लेकिन उस घड़ी में जब अमित शाह कोलकाता जाते हैं और ये भाषण देते हैं कि इस देश के क्रिश्चियन को, सिख को, ईसाई को, पर्शियन को, सबको संरक्षण मिलेगी, लेकिन उसमें मुसलमानों का नाम नहीं लेता है, तो इससे ये इनकी साजिश पूरा वाजे है कि ये सबको ले तो जा रहे हैं, ये सबको NRC के तहत ये बेदखल कर रहे हैं, लेकिन इनकी साजिश ये है कि इसके वजह से मुसलमानों को ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये केवल मुसलमानों को बाहर कर रहा है, बल्कि हिंदुओं को भी बाहर कर रहे हैं। अच्छा, ये हिंदुओं को ये वापस लेके आएंगे, हिंदू भाई को, लेकिन मुसलमानों के साथ जो इनका रवैया है वो ये रवैया करेंगे, और इसको ये लीगलाइज कर रहा है, इस मुसलमानों को इस देश से बेदखल करने का लीगलाइज कर रहा है। इसके खिलाफ पूरे देश के हर एक अमन पसंद लोग, संविधान पे विश्वास रखने लोग, बापूजी के कहे गए बातों पे चलने वाले लोग और भगत सिंह के रास्ते पे चलने वाले लोग इस चीज़ को नहीं मानेंगे, इसके पुरजोर विरोध। लेकिन आप जैसे कि आप मुद्दा जो चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इस वक्त डिमांड हो रही है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए के कानून बनना चाहिए, सख्त होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं माहौल जो देखा रहा है एक भय का देखा जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से मोदी सरकार कहती थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और सबका साथ सबका विकास और रोजगार की बात करती थी, लेकिन पूरी तरह से फेल हो चुकी है, तो क्या आपको लगता है कि NRC और कैब थ्रू डाइवर्ट करना चाहती है मुद्दा? तो ये बेटी को कैसे संरक्षण देंगे? अगर बेटी को ये संरक्षण देने की बात करेंगे और क्या कहते हैं, महिलाओं को और जो रेप के एक्यूज्ड हैं, कन्विक्ट हैं, उनको अगर सजा देंगे तो सबसे पहले इनकी सरकार गिरेगी, क्योंकि ADR रिपोर्ट ये कहती है कि BJP के पास 45% ऐसे लोग हैं जिनके रेप का गंभीर केसेस हैं, जिन पर रेप का गंभीर आरोप है। तो जब उन पर रेप का आरोप है तब उनको सजा मिलेगी, जब उनको जेल में डाला जाएगा, उनको संसद से निकाला जाएगा, तो इनको तो सरकार गिरेगी। इसीलिए ये नहीं, ये सरकार बिल्कुल नहीं चाहती है कि इस तरह के घिनौने हरकत में शामिल किसी भी लोगों को जल्द से जल्द सजा मिले। लेकिन हमारा ये मानना है कि इस देश में अगर इस तरह का घिनौना हरकत हर एक 4 मिनट में एक महिला के साथ उनकी अस्मिता से खिलवाड़ की जाती है, उनकी आबरू से खिलवाड़ किया जाता है, तो ऐसा कोई सख्त कानून हो और उनको जो है ना जेल के अंदर उनको बंद कर दिया जाना चाहिए, कैद करना चाहिए। लेकिन क्या आप इस तरीके से करेंगे जो कल हैदराबाद में हुआ? ये बिल्कुल अनलॉफुल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इस तरह का इनकाउंटर होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप, मैं चोरी करूं, मैं अगर किसी चीज़ में एक्यूज्ड हूं, वो जुडिशरी तय करेगा कि मैं एक्यूज्ड हूं, मैं कन्विक्टेड हूं या नहीं हूं, वो जुडिशरी तय करेगा हमें क्या सज़ा मिलनी चाहिए नहीं मिलनी। ये पुलिस वाले तय करेंगे, डंडा वाले, कि कौन दोषी है कौन नहीं दोषी है, ये तय करेंगे उसको क्या पनिशमेंट मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। जब इस देश में नोटिफाई करेंगे कि उसको पनिशमेंट मिल गया, पीड़िता को वो इंसाफ मिल गया, ये इंसाफ नहीं है। मैं कह रहा हूँ जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, नो डाउट, लेकिन जस्टिस हरिड इज आल्सो जस्टिस बरिड। अगर आप हड़बड़ी में किसी को मंत्री तिरंगा लेकर रैली निकाल लिए आसिफा के केस में, आप क्यों नहीं मारे उस टाइम?
तो आप चूंकि ये इधर का जो केस होना वाला अभी ज्वलन हो रहा था मीडिया में कि उनको जला दिया गया, वो हमारे बीच वो बहन नहीं रही, ठीक है, उसके न्यूज़ को दबाने के लिए, उसके इश्यूज़ को दबाने के लिए ये किया गया ताकि ये न्यूज़ दब जाए और ये न्यूज़ ऊपर उठ जाए कि हाँ भाई हमने जस्टिस दिला दिया। ये गलत साजिश है, इस साजिश के तहत ये केवल आप देश को तोड़ सकते हैं, नौजवानों को बरगला सकते हैं, आप लॉ को लॉ जैसा और देश को कानून से नहीं बांध सकते हैं। देश अगर चलेगा तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा, कानून के हिसाब से चलेगा। ये आपके इस तरह के जुमले से और इस तरह के नाटक से ये देश कभी नहीं चल सकता। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ जिनू के फारूक आलम, जो कि बेबाक तरीके से अपनी बात को रखे और ख़ास तौर पर जो चीज़ें घटनाएं घट रही है, कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है, खासकर महिलाओं को सेफ्टी देने में, और उसी के बिना पर आप जिस तरह से एक डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है सरकार NRC और कैब के थ्रू, तो बड़ी ही एक गहमागहमी की स्थिति बनी रही है हिंदुस्तान में। बहरहाल आप देखते रहिए जामिया वर्ल्ड, मैं मोहम्मद तस्लीम।